नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सातवें चरण का मतदान अब होना बाकी है। 25 मई को छठे चरण का मतदान समाप्त हो चुका। इस दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए वोटिंग हुई। सबसे अधिक वोटिंग पश्चिम बंगाल में की गई। सातवें चरण का मतदान 1 जून को किया जाएगा। इस दौरान 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। सातवें चरण की वोटिंग को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग जिले में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव 2024 में आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने गोरखपुर के बासगांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अलग अलग जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि छठे चरण के मतदान के बाद विपक्षी दलों की हालत खराब हो चुकी है। सातवें चरण में पूर्वांचल उन पर वार करेगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पर पूर्वांचल का वार होता है वो मैदान से बाहर जाकर गिरता है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून 2024 ये तारीख भारत के भविष्य तय करने जा रही। अमृत काल के संकल्प विकसित भारत का निर्माण 140 करोड़ सपने 4 जून को देश के एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएंगे। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। अमृत काल के संकल्प विकसित भारत का निर्माण 140 करोड़ सपने 4 जून को देश एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। इसलिए करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। जो करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, 3 करोड़ गरीब जिन्हें आने वाले सालों में पक्का घर मिलेगा, उन्हें 4 जून का इंतजार है। 70 साल की उम्र से ऊपर के वो बुजुर्ग जिन्हें अब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा, उन्हें 4 जून का इंतजार है। वो करोड़ों युवा जिन्हें मुद्रा योजना से अब 20 लाख रुपए की मदद मिलेगी, उन्हें 4 जून का इंतजार है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनेगी, उन्हें 4 जून का इंतजार है। देश के करोड़ों लोग जिन्हें पीएम सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली मिलेगी, उन्हें 4 जून का इंतजार है। देश को पता है 4 जून से ही भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है हर भारतवासी के पास आगे बढ़ने के ज्यादा मौके, हर भारतवासी के पास अपनी आय ज्यादा बढ़ाने का मौका। 4 जून को बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी के आशीर्वाद से भारत की एक मंगल यात्रा की नई शुरुआत होगी। मोदी जब खुलकर इनकी पोल खोलता है तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने के फतवे निकालते हैं, लेकिन जब तक मोदी के पास माताओं बहनों का सुरक्षा कवच है, आप सबका आशीर्वाद है, नौजवानों का उत्साह है, मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 24 के इस चुनाव पर
पूरी दुनिया की नजर है। भारत जितनी दमदार सरकार बनाएगा, जितना दमदार प्रधानमंत्री बनाएगा, उसकी गूंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी। साथियों, पूर्वांचल की ये धरती तो पराक्रम और क्रांति की धरती है। ये वो इलाका है जहां मंगल पांडे का साहस है, यहां महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम है और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मुखर आवाज है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए तो इस चुनाव का महत्व डबल है। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। अभाव, गरीबी, लाचारी का क्षेत्र बना दिया था। लेकिन 10 साल से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। इसीलिए करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश को पता है 4 जून से ही भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मतलब है हर भारतवासी के पास आगे बढ़ने से ज्यादा मौके, हर भारतवासी के पास अपनी आय बढ़ाने के अधिक मौके। कुछ ताकतें ऐसी है जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान से सपा कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के लिए दुआ पढ़ी जा रही। सीमा पर से जिहादी उनके समर्थन दे रही है। यहाँ सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील करते हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, भारत को कई दशक पीछे ले जाना है। इंडी जमात कह रही है कि हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लाएंगे। ये शरणार्थियों को भारत नागरिकता देने का कानून सीए को रद्द करेंगे। यही तो भारत विरोधी ताकतें भी चाहती है। फिर इंडी वाले यही क्यों चाहते हैं? देश में 7वें चरण के मतदान 1 जून से और देश में मतदाता का आखिरी चरण होगा और इसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आएंगे। और इसी के साथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा, समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। और इस दौरान जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा, देश तीसरी बार सरकार बनाने का मन बना चुका है और इसका सीधा कारण नेक नियत, नेक नीति और नेशन फर्स्ट है। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकार थी उसमें जनता थरथर कांपती थी, लेकिन सपा सरकार में जनता थरथर कांपती थी और भाजपा सरकार में माफिया जो है वो थर थर कांपते हैं। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से योगी जी आई है माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी ने अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया। वही दूसरी तरफ गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो है काफी जनसभाओं को संबोधित किया। अलग अलग जगह पर उनकी भी जनसभाएं थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफों के अगर आप कहेंगे पुल बांधे और काफी कुछ और मोदी जी कह रहे थे। जरा एक बार मोदी जी को सुनिए, उसके बाद हम आपको योगी जी को सुनाते हैं। कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा, क्यों घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है।
अब हां हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर थर कांप रहा है। तो जैसे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, अब बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले हम सब नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, वही बनाएंगे, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हम पर हंसते थे। महाराज गद्दी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती से संघनाद किया था। विश्वामित्र ने कहा था जो है, गद्यत्रम मंचित्ता व्यापी हरि बिनु मरही न निसिचर पापी। आगे योगी ने कहते हैं जितने भी माफिया है, अपराधी है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, इनको मारने के लिए भाजपा आवश्यक। यह घोषणा तो विश्वामित्र जी ने हजारों वर्ष पहले कर दी थी। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे हमने यज्ञ की रक्षा के लिए, जिन्होंने निशाचरों को मारकर उनकी रक्षा की। हम तो राम भक्त है, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, जब तक माफिया को मार नहीं देंगे तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे। सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून का राज, लेकिन पहले माफिया कानून को ढेंगा दिखाते थे, अब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलता है। हमारी सरकार गरीबों व्यापारियों को अभय प्रदान करने का काम किया है। आगे योगी जी ने कहा कि आपके सपोर्ट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाओं में सुरक्षा प्रदान की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के सम्मान को बेचती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश के सम्मान को सिर्फ बेचा, आतंकवाद नक्सलवाद को देश के अंदर पनपाए, वो भ्रष्टाचार करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनाते थे। पर जो है त्योहारों में माफिया खुली जीप में घूमकर खुशी से चढ़कर हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। किसी ने सोचा नहीं था कि गाजीपुर से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ किया उसी विश्वामित्र के नाम पर गाजीपुर में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। कांग्रेस का गठबंधन ये कहता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड लागू करेंगे, पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन है, लेकिन यह देश भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी सरिया से नहीं। भारत अपने यहां सरिया कानून लागू नहीं होने देगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा की और उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। बोले, हमारी सरकार आई तो अगले 5 साल तक आपको राशन मिलता रहेगा। कांग्रेस कहती है हमारी सरकार आई तो वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादा ने, आपके पूर्वजों ने जो प्रॉपर्टी बनाई वो प्रॉपर्टी आज आपको मिली है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो वो कह रही हैं कि हम सर्वे कराकर आपकी आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे, इस प्रॉपर्टी में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को बांट देंगे। इसे औरंगजेब का जजिया कह सकते हैं। और क्या कुछ कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, जरा आप खुद सुनिए। 10 वर्ष पहले था क्या वही काशी है आज? तो बैनर भाइयों, एक तरफ महेंद्रनाथ पांडे जी केंद्र की योजनाओं को लाते हैं, प्रदेश में अपने विधायक और मंत्रियों को, सैनिल राजभर को, सिट्टी राम को लगातार प्रोत्साहित करते हैं, तो विकास अब बुलेट की स्पीड से काशी के अंदर और चंदौली के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। पहले की सरकारें आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आप सोचो, बाबा कीनाराम की पावन जन्मभूमि में उनके भव्य और दिव्य मंदिर को भी इन लोगों ने एक कौड़ी नहीं दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा बाबा अघोरेश्वर है, भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं, उनके पावन जन्मभूमि को हम दिव्य और भव्य रूप देंगे और चंदौली में वहां पे काम चल रहा है। कच्चा बाबा के स्थान के बारे में कोई सोचेगा? कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। बहनों और भाइयों, यह सोच अगर किसी की है, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, अनिल राजभर जैसे जनप्रतिनिधि जब सुन के जाते हैं तभी सोच पैदा होती है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके कहने के लिए, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, पूरे देश की जो आवाज, उस आवाज के साथ हमें जुड़ना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अनर्थकारी गठबंधन है। ये जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखेंगे, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को देखेंगे, आप भी कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान परस्तों का घोषणा पत्र है। उनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे
अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको छोड़ देंगे? क्या क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की छूट देंगे क्या सपा कांग्रेस के लोगों को? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन का कारण बना था और धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है। लेकिन तब भी ये असंवैधानिक कार्य को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी ने घोषणा की है कि धार्मिक आधार पर नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में कोई भी दुनिया की ताकत सेंध नहीं लगा पाएगी, उनको यह अधिकार वैसे ही मिलता रहेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है आएंगे वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स जानते हैं आप क्या है? ये वरासत टैक्स का मतलब है आपके पूर्वजों ने बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, इस संपत्ति का सर्वे कराएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। कहती है कराएंगे, और कराने के बाद जो उनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है, जमीन मिला होगा, खेत मिला होगा, मकान मिला होगा, जेवर मिला होगा, पैसा मिला होगा, कोई गाड़ी मिली होगी, इसमें से आधी ये लोग जबरदस्ती आपसे वापस ले लेंगे और फिर उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपके प्रॉपर्टी को कोई जबरन लेगा? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम इन पर वरासत टैक्स के नाम पे जजिया कर लगाएंगे। क्या ये जजिया कर देंगे? क्या अरे मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया, उसे ही उठा के कैद कर लिया। शाहजहां ने अपनी जीवनी में कहा है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। जिसने मुझे जीते जी पानी के लिए तरसाया है, और उसने कहा उस समय अरे क्रूर औरंगजेब, तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण से उनको सम्मान देने का काम करते हैं, जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, हम जजिया कर नहीं देने देंगे। भारत में इस प्रकार की औरंगजेब की आत्मा को द्वारा जीवित नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र ये भी कहता है आएंगे कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी, तो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। आप जानते हैं खान पान, अरे रोटी पाटी दाल चावल सब्जी आप खाते हैं, अल्पसंख्यक भी खाता है, जो आप खाते हैं वही वो भी खाता है। लेकिन एक जगह में दोनों रुक जाते हैं, ठहराव आ जाता है। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ कसी करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू कहता नहीं, यह हरगिज नहीं होगा, जन्म जन्म का नाता है गाय हमारी, बोलते हैं ना, जन्म जन्म का नाता है, बोलते हैं ना, तो क्या गौ हत्यारों को आप समर्थन देंगे? क्या अरे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके जो पुण्य आपके खाते में जुड़ा है, ये एक वोट देकर के गौ हत्यारों को वोट देकर के पाप में बदल जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जैसा परम
भक्त, बाबा विश्वनाथ का, बाबा मार्कंडे महादेव का, बाबा कीनाराम का, बाबा कच्चा बाबा का, परम भक्त, परम धार्मिक, परम उदार व्यक्ति, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने वाला, विकास के लिए निरंतर प्रयास करने वाला जनप्रतिनिधि आपके लिए है और इसीलिए हम लोग आए हैं। पूरे देश की आवाज के साथ हमें जुड़ना है। देश की आवाज क्या है? फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आवश्यक हैं। जिता के भेजेंगे, चंदौली से, शिवपुर और अजगरा से भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जाएंगे। दोनों हाथ पा करके थोड़ा जोर से बोले, काशी की आवाज में बोले, जिता के भेजेंगे, जिता के भेजेंगे। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे, करेंगे करेंगे। पहला काम, अब केवल 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। कितने दिन बचे हैं? 5 दिन। आप में से कितने लोग हैं कि इन 5 दिनों में प्रतिदिन 2 से 3 घंटा देश के लिए देने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग दे सकते हैं? सभी लोग देने को तैयार है ना? इन 5 दिनों में 3 घंटे का समय आप दीजिए, प्रतिदिन 5 से 6 परिवारों में, एक परिवार में 3 वोटर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, उन सबसे संपर्क करके उन्हें कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए उनसे अनुरोध करना है। करेंगे करेंगे। 5 दिन में 25 परिवार, इन 25 परिवारों से संपर्क करेंगे और इन 25 परिवारों के साथ जो वोट होगा वह होगा 100 से लेकर 125 वोट। ये 100 से 125 वोट नंबर 2, पहली जून को पोलिंग बूथ पर ले जाकर के मतदान कराना है, भाजपा के पक्ष में कराएंगे कराएंगे। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।